लोकसभा चुनाव केंद्र की राजनीति में खासा स्थान रखने वाले इन राज्यों में कब कब होगा मतदान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तिथियां नियत हो गई हैं। तारीखें घोषित होने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। 7 चरणों में होने वाला लोकसभा चुनाव राजनेताओं के लिए अग्नि परीक्षा की तरह साबित होगा। केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले राज्यों में मतदान कब कब होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनावी 7 चरणों में समापन होगा। 11 अप्रैल को पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मरेठा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मतदान होगा। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में नगीना, अमराहू, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथरास, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सीकरी में मत डाले जाएंगे। 23 अप्रैल को तीसरे चरण में शाहजहांपुर, खीरी, हरदोई, मिश्रख, उन्नत, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, जलोनी, झांसी और हमीरपुर में मतदान होगा। 6 मई को पांचवें चरण में धरोहा, सीतापुर, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बांदा, फतेहपुर, कौशमी, बाराबंकी, फैजाबाद, बराई, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होगा। 12 मई को छठे चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रीवस्ती, डुमियारगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही में मतदान होगा। वहीं 19 मई को 7वें और अंतिम चरण में महाराजगंज, गोरखपुर, खुशीनगर, देवरिया, बासगांव, घोसी, सलेमपुर, बालिया, गांजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान होंगे। बिहार के 40 सीटों पर 7 चरणों में होगा मतदान। 40 लोकसभा सीटों वाला राज्य बिहार में लोकसभा चुनाव की सभी 7 चरणों के संपन्न होंगे। यह पहले चरण में 11 अप्रैल को 4 सीटों पर, 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 5 सीटों पर, 23 अप्रैल को तीसरे चरण में 5 सीटों पर, 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीटों पर, 6 मई को पांचवें चरण में 5 सीटों पर, 12 मई को छठे चरण में 8 सीटों पर और 19 मई को 7वें और अंतिम चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश के 29 सीटों के लिए मतदान 4 चरणों में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए मतदान 4 चरणों में 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई एवं 19 मई को होगा। राज्य के 29 लोकसभा सीटों में से 29 अप्रैल को पहले चरण में 6 सीटों पर होंगे चुनाव, जिनमें सिंधी, संडोल, जबलपुर, मांडवा, बालघाट एवं छिंदवाड़ा शामिल है। 6 मई को दूसरे चरण में 7 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें गढ़, दमोहा, सातना, होशंगाबाद, बैतूल, खजुराहो एवं रीवा शामिल है। 12 मई को तीसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें मुरैना, भिंडी, ग्वालियर, गुना, भोपाल, सागर, विदिशा एवं राजगढ़ शामिल है। 19 मई को चौथे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होंगे, इनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर, धार, खैरगाना और खंडावा शामिल है। छिंदवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव भी 29 अप्रैल को होगा। इन सभी सीटों की मतगणना 23 मई को होगी। राजस्थान की 25 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होंगे। चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के साथ ही राज्यों में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और प्रक्रिया पूरी होने तब अब सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के तबादले एवं नियुक्ति पर पूरी तरह रोक लगेगी। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के 25 लोकसभा सीटों में से 13 सीटों पर मतदान 29 अप्रैल को चौथे चरण में तथा 12 सीटों पर मतदान 6 मई को पांचवें चरण में होगा। 29 अप्रैल को लोकसभा क्षेत्र टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जलौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 में 29 अप्रैल को मतदान होगा। इस चरण की अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 10 अप्रैल को नामांकन पन्नों की जाँच होगी तथा 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 6 मई के मतदान की अधिसूचना 10 अप्रैल को जारी होगी। इस चरणों में 12 लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर में 6 मई की मतदान देंगे। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव छठे चरण के तहत 12 मई को होगा। यह पहला चरण का मतदान 11 अप्रैल, दूसरे का 18 अप्रैल, तीसरे को 23 अप्रैल, चौथे का 29 अप्रैल, पांचवें को 6 मई, छठे को 12 मई और अंतिम यानी 7वें चरण का मतदान 19 मई को होगा। फिलहाल दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। मुख्य निर्वाचन अधिकार द्वारा 18 जनवरी को प्रकाशित अंतिम मतदान सूची के मुताबिक दिल्ली में 1.36 करोड़ मतदाता हैं। उत्तराखंड के सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। हरियाणा के सभी 10 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 12 मई को मतदान होगा। हिमाचल के 4 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों पर 19 मई को 7वें चरण में मतदान होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें
जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।